स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर। अच्छा। लास्ट लेक्चर में हमने मैटलैब के बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। आज जो है हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे लैपलास एंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सिंपल फंक्शन का और पोल जीरो प्लॉट का। फिर हम पढ़ेंगे सिमुलिंक, ठीक है, और उसके बेसिक ऑपरेटर्स। ये दो चीजें हम आज पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इंतहाई छोटा है, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को भी साथ मिलाया हुआ है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म? लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? जी, एनीवन? आप लोगों ने पढ़ा लैपलास ट्रांसफॉर्म? हुआ था क्या चीज है जी सर, पढ़ा है क्या चीज है? सर। ये सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम शिफ्ट कर देता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है सिग्नल को टाइम डोमेन से शिफ्ट कर लेता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर मैं आपको जरा इससे भी आसान डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि हम जब डेरिवेटिव लेते हैं dx by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, dy by dt dx by dt। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे ये मतलब निकलता है कि वक्त के साथ साथ वो वेरिएबल कितना चेंज होता है। या हम इसको कह सकते हैं कि यार पहले क्या था, अब क्या है, आइंदा क्या होगा, तो किस रफ्तार से ये चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जब टाइम डोमेन की हम बात करते हैं तो फिर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं कि dx by dt या dy by dt या dz by dt, कि चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोगों ने FSC में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर्ड एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर्ड एक्सेलरेशन। तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, dv by dt इज इक्वल टू ए। ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, जब ऐसा है तो इट मीन्स के टाइम डोमेन की जब हम बात करते हैं तो इससे हम ये चीज आकाश करते हैं कि वक्त के साथ कोई चीज कितनी तब्दील होती है। अब ये कहने में इंतहाई आसान है। आपको अगर मैं कहूं कि dx by dt फाइंड करने तो आप विद इन 1 मिनट फाइंड कर लेंगे। फिर मैं कहूं कि यार d2x by dt2 यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि d^1000 / dt^1000 1000 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करें तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कैलकुलेशन काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो प्रैक्टिकल सिस्टम में होते हैं। फिर तो हम उसको टाइम डोमेन में कैलकुलेट करने पे लग जाएं तो सारा दिन गुजर जाएगा और हम एक सिग्नल की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज लैपलास। लैपलास क्या करता है, वो टाइम डोमेन कन्वर्ट कर लेता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में कि फ्रिक्वेंसी कितनी चेंज हो रही है, ये सिग्नल कितना चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से सिग्नल कितना चेंज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंज जो है बड़ा छोटा होता है और हम बड़े आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब हमारे हमारे स्लैब में लैपलास ट्रांसफॉर्म को काफी डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक मिनट, इसको मैं मैक्सिमाइज करूं कि आपको नजर आए। अब नजर आने लगा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही है। हाँ हाँ, रिस्पांस जल्दी दिया करें यार, मैं 2 घंटे तो बोलने पे गुजार लेता हूँ।
अच्छा तो पहले आप करेंगे लैब नंबर टू, ये इंतहाई आसान लैब है, इंतहाई इजी, आप लोग इसको विद इन 5 मिनट भी कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, गपशप है इस लैब में, ठीक है। वही जो पहले लैब हमने किया था वही रिपीट हो रहा है, इसमें इतना कुछ नहीं है खास। अच्छा लैपलास का कमांड है, लैपलास ये कमांड है मैटलैब में, एफ जो है फंक्शन है कि किस फंक्शन का हम लैपलास निकाल लें, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज फंक्शन है टी की पावर 4, हमारे पास फंक्शन है टी की पावर 4, अब इसका लैपलास निकालेंगे, तो इसका लैपलास निकालना इंतहाई आसान है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सिम्स टी, अब ये एस वाई एम जो है सिंबल का कमांड है, तो ये टी को एज ए सिंबल स्टोर कर लेते हैं, फिर हम फंक्शन लिखते हैं एफ इज इक्वल टू टी की पावर 4, हमारे पास ये फंक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है एस, एस के फॉर्म, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो मैं इसको आपके सामने करता हूँ, एक दफ़ा आपको ज़रा सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं मैटलैब शेयर करता हूँ, मैटलैब स्क्रीन, मैटलैब स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जी नजर आ रही है स्क्रीन आपको। जवाद अली के अलावा बाकी बात करें, जवाद अली का स्पीकर खराब है, सारा डिस्टर्ब कर रहे हो। जवाद खान आप बातें ना करें, आपका स्पीकर खराब है। जी सर नजर आ रही है। जवाद खान आप बात ना करें, आपका स्पीकर खराब है, सारा शोर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एस वाई एम एस सिंबल्स का मान और टी को हम सिंबल एज ए सिंबल स्टोर करेंगे। तो क्या हुआ, टी एज ए सिंबल स्टोर हुआ, फिर हम फंक्शन लिखते हैं एफ इज इक्वल टू फंक्शन है टी की पावर 4, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हम लैपलास लेते हैं, तो लैपलास का कमांड क्या है, एल ए पी एल ए सी ई लैपलास, और वही एम एफ जो फंक्शन हमने पहले कॉल किया, ये लैपलास का कमांड, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, रन करते हैं तो नीचे लिखा आ जाएगा यहाँ सारा का सारा आंसर। दोबारा रन करते हैं, इसमें कुछ एरर आ गए, एल का लैपलास का सी हमने कैपिटल, एल हमने कैपिटल लिखा था, इसको स्मॉल लिखना चाहिए। अब ये नजर आ रहा है, देख लें लैपलास आ गया 24 डिवाइड बाय एस की पावर 5, समझ आ गई आपको? यस सर। अब इसी फंक्शन का इनवर्स लैपलास लेते हैं, इनवर्स लैपलास लेट्स सपोज जी से लेते हैं, इनवर्स लैपलास का फंक्शन है आई लैपलास, आई फॉर इनवर्स और फिर लैपलास। अब इस बड़े एफ का लैपलास लेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे एफ में तो फंक्शन था उसका हमने लैपलास लिया कि बड़े एफ में स्टोर कर लिया। अब बड़े एफ का इनवर्स लैपलास लेंगे तो हमारे पास वो जी में स्टोर हो जाएगा, तो जब इनवर्स लैपलास लेंगे तो हमारे पास टी की पावर 4 दोबारा आ जाएगा। ये देख लें, ये हमने लैपलास लिया, इसको मैं स्क्रीन को दोबारा क्लियर करता हूँ कि आपको वजाहत से नजर आए, दोबारा रन करता हूँ। ओके सर, अब नजर आ रहा है, ये लैपलास है 24 डिवाइड बाय एस की पावर 5 और ये जो है इनवर्स लैपलास है टी की पावर 4, वही फंक्शन दोबारा आया। जी जी सर, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। अच्छा अब इसके बाद ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन हमने याद है कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, अब जरा मैं उसमें एक और चीज का इजाफा करता हूँ, वो ये है कि लैपलास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लैपलास ऑफ इनपुट,
Laplace of output divided by Laplace of input. तो मैं एक सिंपल फंक्शन लिखता हूं, ठीक है? वो फंक्शन जो है वो है इसको मैं चाहता हूँ, इस फंक्शन लिखता हूँ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू वन, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव. फिर इसका मैं ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ, जो ट्रांसफर फंक्शन कमांड है, सपोज मैं लिखता हूँ कि ट्रांसफर function is equal to tf is a command है. tf और फिर यहाँ हम लिखते हैं numerator और denominator denum, ये इसका command मैं लिखता हूँ, ठीक है? tf is a command है, मैं इसको run करता हूँ. जब मैं इसको run करूँगा तो ये automatically transfer function इसका निकाल लेगा. run करने से पहले मैं इसे clear screen करता हूँ. यहाँ पे ये भी इसको मैं रन करता हूँ. ये देख, नोमिनेटर वन है, डिनोमिनेटर थ्री फोर फाइव है, और ट्रांसफर फंक्शन इसका ये वन डिवाइड बाय थ्री एस की पावर टू प्लस फोर एस प्लस फाइव. नजर आ रहा है आपको? जी नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है. अच्छा अच्छा अबे ट्रांसफर फंक्शन तो निकाल लिया, अब आगे क्या करेंगे? हम इसका जीरो पोल और गेन फाइंड करेंगे. लास्ट क्लास में आपको कहा था कि जीरो पोल गेन क्या होता है. हम क्या करते हैं, हम इसका जीरो पोल फाइंड करते हैं कि इसके जीरोस कहां पर है, इसके पोल कहां पर है, इसका गेन कितना है. तो इसका सिंपल फंक्शन क्या है, जीरो जेड फॉर जीरो, पी फॉर पोल एंड के फॉर गेन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रांसफर फंक्शन जो हमने ऊपर फंक्शन यूज किए. और इसको हम इज इक्वल टू ए कर लेंगे, ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा फंक्शन ये, ठीक है? अब हम दोबारा इसको जब रन करेंगे तो क्या होगा, ये हमें नीचे जीरो पोल और गेन भी दे देगा. कारी साहब आपको काफी डिटेल से पढ़ाएंगे कि जीरोस क्या हैं, पोल्स क्या हैं और गेन क्या है. हमने जीरो पोल गेन का फंक्शन यूज किया तो हमारे पास क्या है, ये ऊपर जीरो है, नीचे गोल है, ठीक है? अगर हम इसको ए हटा दें यहाँ से और विदाउट ए हम करें तो फिर हमें अलग अलग भी ये शो कर सकते हैं. देख ले फंक्शन हमारा चेंज हो गया, ये जीरो पोल उसका क्या कहते हैं गेन, इसका हमें उन्होंने फंक्शन दे दिया. अब हम इसको अलग अलग भी देखना चाहते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं कि जीरोस क्या हैं, पोल क्या हैं, ठीक है? सर इसमें गेन क्या है सर? गेन मतलब कितने टाइम्स ये सिग्नल मल्टीप्लाई होके बूस्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फाइव हमारे पास एक वेरिएबल एक्स, ठीक है? और मैं आपको कहता हूँ इसका गेन थ्री है, तो क्या सिंबल होगा या क्या सिग्नल होगा? तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, ठीक है? तो इसका मतलब है कि कितने टाइम्स ये सिग्नल जो है मल्टीप्लाई होके बूस्ट हो जाता है या कम हो जाता है. समझ आ गई आपको? ठीक है, अब मैं इसको अलग देखना चाहता हूँ कि यार इसका जीरोस, सिंपल में जीरोस देखना चाहता हूँ मैं. जीरो पोल गेन के अलावा सिंपल मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ मुझे जीरोस दिखा दे. तो मैं क्या करूं, मैं नीचे कमांड लिखूंगे z e r o s zeros और फिर ट्रांसफर फंक्शन. तो ये मुझे इसके zeros भी दिखा देगा. अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं. अच्छा zeros के मैंने कमांड गलत लिखा है, इसको मैं ठीक करता हूं तो फिर ठीक हो जाएगा. ये zeros नहीं, ये zero है, एस नहीं है साथ, ठीक है? मैं दोबारा से क्लियर स्क्रीन करता हूँ. अब मैं रन करता हूँ तो अब ये जीरो
अमित मुझे दिखा रहा है कि जीरो इसका क्या है, देख लें इसका जीरो क्या है, जीरो क्रॉस वन एम्प्टी वेक्टर है, ठीक है, इसका जीरो क्या है, जीरो क्रॉस वन एम्प्टी वेक्टर है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, नॉमिनेटर में वन के साथ मैं कॉमा सिक्स लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इस नॉमिनेटर को चेंज किया, फिर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और देखता हूँ कि जीरो इसका जो है वो चेंज होता है या नहीं होता। मैंने दोबारा रन कर लिया, अब इसका जीरो क्या आया, माइनस सिक्स, नजर आ रहा है आपको, जो मैंने हाईलाइट कर लिया। एनीवन मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं, तो रिस्पांस दिया कर जल्दी ना। अच्छा आप लोगों में से किसी को पता है जीरो क्या चीज है, सर ने पढ़ाया है आपको? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जीरो क्या चीज है पता है आप लोगों को? जीरो क्या चीज है? जी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को पता है कि जीरो क्या चीज है? सर जो एक्स एक्सिस को डिनोट कर दी सर। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं उसको हम जीरो कहते हैं। तो आप एक घंटे बाद जवाब देते हैं, मुझे जल्दी जवाब दिया करें। एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन करते हैं उसको हम जीरोस कहते हैं, जो वाई एक्सिस पर करते हैं उसको हम कहते हैं पोल। अब पोल का कमांड भी इंतहा इजी है, हम जस्ट लिखते हैं पोल और फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं पी ओ एल ई पोल और इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं। अब जब दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास पोल भी आ जाएगा, इसका पोल क्या चीज है। अच्छा पोल का मैंने यहाँ स्पेलिंग कर देगा, ट्रांसफर ट्री आई एन एस लिखना चाहिए। अच्छा मैं दोबारा रन करता हूँ, सही हो जाएगा। ठीक अब ये इसके पोल्स आ गए, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। आप में समझो कोई बताए इससे पोल्स क्या है, एनीवन कोई बताए मुझे। y एक्सिस को डिनोट करते वो हमारे पास पोल होते हैं। हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्या सर ये आपने जो हाईलाइट किया ये वाले? जी सर, ये हमारे पास पॉइंट्स को मतलब पॉइंट्स शो कर दिए ना सर, केस पॉइंट्स पे हमारे पास ये जरा पढ़ के बताएं, ये वाला पोल हो रही है, जरा पढ़ के बताएं क्या है जो मैंने हाईलाइट किया है, वो पढ़ के बताएं क्या है। माइनस सर माइनस 0.6667 जी प्लस 1.10551 जी और फिर नीचे सर ये वाला है, एक प्लस में सर एक माइनस पे सर, एक हमारे पास नीचे वाला पोल जो है ना वो एक्सिस पे वो डिनोट करते हैं हम, और एक ऊपर वाले के सर। अच्छा अच्छा एक्सेलेंट, ठीक है। अब मैं दोबारा एक नई स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जो लैब मैनुअल की स्क्रीन है, ठीक है, उसमें आपको टास्क देता हूं। ये कमांड्स की समझ आ गई आपको? सर जी सर आ गई है। अब ये एम एस वर्ड का जो फाइल है उसका लैब मैनुअल का, उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा नजर आ गई एम एस वर्ड की फाइल? जी सर आ गई। अब देख लें इसमें 1.01 ये सिंपल वो फंक्शन कमांड है जो भी हमने किए हैं, सिम्स टी एफ इज इक्वल टू टी, इसका हमने लैपलास लिया तो इसका आंसर है 1/s^2, ठीक है। इस तरह नीचे काफी सारे फंक्शन है, 1.02, 1.03, 1.04 से लेकर आखिर तक आपने सबके को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये 1.08 को देखें, इसमें f इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ब्रैकेट 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी लिया, फिर इसका लैपलास फाइंड किया तो इसका लैपलास में उन्होंने शो किया, ठीक है। तो आप साइन और कॉस का भी लैपलास ले सकते हैं आसानी से, जहां पे टी यूज होगा जिस फंक्शन में, तो आप पहले टी को
डिस्प्ले करेंगे एस वाई एम एस कमांड से, फिर इनवर्स लैपलेस के सारे फंक्शन है, ये सारे कोड्स इसमें रेडीमेड दिए हुए हैं, ठीक है। आपने जस्ट इसको टाइप करके दोबारा चेक करना है कि इसमें क्या आंसर आते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो सर काइंडली सर आप एनएमएस पर सर जो मैनुअल्स की जो फाइल होती है सर वो अपलोड कर रहे थे सर, आप व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर दिया करें। अच्छा मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर लूंगा, मैं व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर लूंगा, ठीक है। यस सर। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने आपके पास टाइम है 7:34 है ना, आपके पास रात के 11 बजे तक टाइम है, ठीक है। 11 बजे तक आपने इसके सारे जो कमांड्स हैं उसको रन करना है मैटलैब में, और मैटलैब में रन करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आपने कॉपी करके एक वर्ड फाइल में रिपोर्ट मुझे सबमिट करानी है। समझ आ गई आपको? कर पाएंगे आज रात तक या नहीं? टाइम कम है सर, टाइम कम है, थोड़ा कम है सर। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ इंटरनेट भी बहुत ज़रा स्लो आ रहा है, इसलिए टाइम कम है। टाइम आप कल तक बढ़ा दे तो फिर हो जाएगा, कर लेंगे। चले कल तक मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर, हम कल इंशाल्लाह जमा करवा देंगे। हाँ, आप भी बता दें कि कौन कौन से टास्क करने हैं, जो जो कमांड है वो, ये जो आपने सारे ये वर्ड फाइल में ये सारे हमने करके दिखाने हैं, मैटलैब पे रन करना है। जी जी, बस इसको इसको रिपीट करना है, इन्हीं चीज को दोबारा रिपीट करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। समझ ठीक है सर, ये ले मैनुअल इंतहाई इजी हमने सर, आप ये फाइल अपलोड कर दे व्हाट्सएप ग्रुप में सर। ठीक है, मैं अपलोड कर लेता हूँ इसके बाद, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है वो है स्टेबिलिटी, ठीक है, कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में इसका हमने प्लॉट किया था ग्राफ स्टेबिलिटी का, उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने ये किया था कि अगर लेट सपोज आपके जीरोस जो है वो लेफ्ट साइड पर हो, जीरोस आपके लेफ्ट साइड पर हो, इस मींस कि सिस्टम हमारा स्टेबल है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये कारी सब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, काफी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें काफी डिटेल कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन में प्लॉट अगर कर लेते हैं, ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इसको हम इस कमांड से प्लॉट करते हैं, टी एफ ब्रैकेट में नॉमिनेटेड डिनोमिनेटर, इसे हम प्लॉट कर लेते हैं, हमारे पास सिंपल ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। फिर हम ये चेक करते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो हम पी जेड मैप जो लास्ट क्लास में हमने किया था, याद है आपको लास्ट क्लास में पी जेड मैप? जी सर। अगर याद हो, आपको भूला नहीं हो, तो किसी ने लास्ट लैब की है क्या नहीं घर में? नो सर, अभी नहीं की। चले उसको भी कर लें, ठीक है। जब पीजेड करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ आएगा, पीजेड मैप से हमारे पास एक ग्राफ आएगा। जब ग्राफ आएगा तो क्या होगा, उस ग्राफ को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि यार ये स्टेबल है नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको जरा समझ आ जाएगी, ये देख लें पी जेड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ मैट टैब वाली। ये मैट लैब की स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई, नजर आ रही मैट लैब की स्क्रीन? जी सर, नजर आ रही है। जी सर। अच्छा, कमांड ये है पी जेड मैप, पी जेड M-A-P-P-Z map, और ब्रैकेट में मैं नॉमिनेटर कामा डिनोमिनेटर जो मैंने ऊपर लिखा है, और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे इसका ग्राफ भी नजर आ जाएगा जो मैंने फंक्शन ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें फंक्शन डी नम वो कह रहा है कि गलत है। अच्छा, मैंने डी डबल एम लिखा, इसको सिंगल एम करना चाहिए। अच्छा, अब दोबारा रन करेंगे तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये रन हो रहा है, इसमें जीरोस फोल्ड्स भी आ गए, और अब इसका प्लॉट भी हमें नजर आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरे साथ मैटलैब जो है वो 2018 बी है, थोड़ा सा लेटेस्ट है, इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, मैं इसका प्लॉट भी आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो उसको जरा वजाहत से आपको नजर आ जाएगा। नजर आ गया आपको ग्राफ? ठीक है, दिस सिस्टम इज स्टेबल। स्टेबल क्यों है, किसके जो पोल्स हैं वो नेगेटिव साइड पर हैं। देख लें जीरो किस तरफ है।
सर वैल्यूज हमारे साथ फोर है, चार वैल्यूज है और या फिर दो पोल्स है, तो सर ये जरा समझा रहे हैं। पोल्स दो ही है हमारे पास, देख लें, एक है -0.667 प्लस 1.15, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -0.666 प्लस -1. एक प्लस में एक माइनस में, तो उसमें दो वैल्यूज है हमारे पास। ये मैं असल में दोबारा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैंने जो पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये कितने वैल्यूज हैं सर? ये चार, चार ही है सर। चार नहीं है, दो वैल्यूज हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2+2 ये एक वैल्यू है, दो वैल्यू एक ही है सर। 2+2 4 होता है ना, जब इसके बीच में प्लस आ जाता है तो सर में एक वैल्यू हो जाती है, इसके बीच माइनस रहता है, ये भी एक वैल्यू। तो ये सर में दो वैल्यूज हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जब इसको हमने प्लॉट किया, इसको हमने जब प्लॉट किया तो हमारे पास ये आ गया, एक ये वाली वैल्यू जिसने आपने नकल दे रखी, नीचे वाली वैल्यू। सही है सर, समझ आ गई आपको? यस सर, ये आसान सी चीज है। अब सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, अब देख लें, ये दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव साइड पर, नीचे वो एक्स एक्सिस पर देखें, सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, इट मींस सिस्टम स्टेबल है। अगर एक्स एक्सिस पर वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएं तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो लैब है ये 3.1.01 से शुरू हो करके एक्सरसाइज तक, ठीक है, ये आपने करना है और कल मुझे इसका सबमिट करना है रिपोर्ट, ठीक है। और हम इंशाल्लाह कल लैब नंबर 3 करेंगे, जब आप कल मैं आपको टाइम बताऊंगा उस टाइम आपने बैठना है और फिर हमने कल लैब नंबर 3 करना है, ठीक है। तो इस तरह हमने आपका जो एग्जाम है 29 मार्च को है, ये पता है आपको? यस सर, हाँ 29 को स्टार्ट होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सर ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस पता नहीं है, आप बता सकते हैं? ऑनलाइन है, उससे 29 से पहले पहले हमने चार लैब्स करनी है, 4 लैब्स, क्योंकि कारी साहब ने टाइम ज़ाया किया था, उसने लैब्स नहीं की थी, तो मैंने तो कोर्स अपने हिसाब से लेके चलना है। दैट्स वाई 2 लैब्स हमारी हो गई हैं और एक लैब हम कल करेंगे, एक लैब हम परसों करेंगे, तो हमारे 29 से पहले 4 लैब्स हमारी हो जाएंगी। समझ आ गई आपको? जी Yes, sir. ये लैब्स इंतहाई आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने रिपीट करना जो मैंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। मैंने रिकॉर्डिंग भी इसलिए की हुई है कि आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो काइंडली देख लिया करें, तो जो मैंने कमांड्स लिखे सारे के सारे नजर आएंगे, तो आप कहीं पर गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ। आज की जो लैब है वो इंतहा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, तो ये लैब मैनुअल, लैब मैनुअल में शेयर करता हूँ, इसमें लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 में जितने भी एग्जांपल्स हैं, खासकर लैब नंबर 2 1.01 से शुरू करके 3 तक जितने भी लैब एग्जाम्पल हैं सारे के सारे कर लें, ठीक है, और उसको वर्ड में कॉपी कर लें और उसका एक लैब रिपोर्ट जमा करा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग काइंडली ज़रूर सुनिएगा, जो 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 जिसने नहीं सुना उसको समझ ही नहीं आएगी कि यार रिकॉर्डिंग क्या है, सर ने पढ़ाया क्या, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ये मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ, एक मिनट आपके अटेंडेंस लेता हूँ, एक मिनट आप जरा कैमरे सारे ऑन करें। मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं जरा, विशाल इब्राहिम, फवाद अली आप यहां करें, शहजाद, जवाद जी सर, अनस और औरंगजेब कैमरा ऑन करें सर, इतनी सख्ती ना करें, नहीं अटेंडेंस हमारी मजबूरी, हमसे ऐसे में ऊपर से पूछ जाते हैं सर, एक
ये पहली बार आप कर रहे हैं सर। इब्राहिम कैमरा ऑन करें, मैं समझ रहा हूं जरा। सर मेरा कैमरा ऑन है लेकिन लाइट नहीं है, इसलिए अंधेरा है। सर अंधेरा ऑन करें, मैं अंधेरे में। इब्राहिम कैमरा ऑन करें आप। ऑन सर, ऑन सर, ऑन सर, ऑन सर। इब्राहिम तबरेज और ये वीडियोस लाजमी देख लें, ठीक है? जो मैंने अभी रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वो लाजमन ये वीडियो देख लें कि आपको अंदाजा हो जाए कि लैब हुआ किस तरह। एक दफा वीडियो देखेंगे, फिर आप खुद करेंगे, आपको मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।